वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ मैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में, जो कि दोस्तों एक फार्मा सेगमेंट को बिलोंग करती कंपनी लगातार निवेशकों को अच्छा पैसा बना के भी दे रही है और अच्छी खासी खरीदारी चल रही है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, और टारगेट भी बड़ा है 475 रुपये के आसपास। लॉरेंस लैब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो गिरावट में आप इस स्टॉक को बाई करते चलिएगा। लैब के स्टॉक के ऊपर मैं आ चुका हूँ, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, लगातार मेरी आपको राय रही है कि आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के ऊपर रखना ही रखना है, आपको अच्छा ये पैसा कमा के दे सकती है। BSE और NSE दोनों पे इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी दोस्तों, और फ्राइडे के दिन यानी कल के दिन की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट डाउन था, 329 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज 330 रुपये के ऊपर था, ओपनिंग हुई थी दोस्तों 333 पे, दिन का हाई वहीं लगाया जहाँ पे इसने ओपनिंग की थी, और दिन का लो दोस्तों 324 रुपये का देखने को मिला है लॉरेंस लैब के स्टॉक का। स्टॉक दोस्तों हाल में ही स्प्लिट हुआ है, तो ये जो 328 रुपये की जो वैल्यू नज़र आ रही है दोस्तों, ये एडजस्टेड वैल्यू है। लगातार स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स। दोस्तों आइए देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। उससे दोस्तों पहले कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं स्टॉक का। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें दोस्तों 32.12% की है, FII होल्डिंग 20.74%, वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इसमें 3.31% की देखने को मिल रही, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाएगी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी अच्छा खासा इंटरवेंशन है, करीब करीब 41% के आसपास। अदर DII 3% से अधिक की होल्डिंग स्टॉक के अंदर बना के रखे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। प्लस मोटर होल्डिंग करीब दोस्तों 16.5% स्टॉक अभी भी गिर भी है, ये क्वार्टर वन में स्टेक जो हुआ करती दोस्तों 32% के आसपास थी, अच्छा खासा रिलीज कराया है अपने प्लेजिंग स्टॉक को। म्यूचुअल फंड की दोस्तों 15 स्कीम का पैसा 3.31% है, FII का 150 स्कीम की पैसा है दोस्तों करीब 20.74%। आप हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं करीब करीब 27.5-28% की होल्डिंग बना के रखे हैं लॉरेंस लैब में। इस क्वार्टर में आपको पता है इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है करीब करीब 72.5% की, तो दोस्तों स्टॉक बहुत तेज़ी से अच्छा काम कर रही है, कंपनी तो अच्छी तरीके से ग्रो होता चला जा रहा है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा टारगेट भी है 475 रुपये का, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों लॉरेंस लैब के डिटेल देखने के लिए हम लोग आ चुके हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी वो दिसंबर मतलब 19 दिसंबर 2016 के वक्त हुई थी दोस्तों। स्टॉक अच्छा खासा दोस्तों कैचअप बना के रखा, बढ़िया पैसा लगातार निवेशों का स्टॉक ने बनाया है। आपको दिखाता हूँ स्टॉक में किस प्रकार से डिलीवरी उठाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं करीब करीब 16,46,067 शेयर की डिलीवरी उठाई गई थी, मैं क्वांटिटी ट्रेड हुई थी जिसमें करीब 9,84,170 शेयर की डिलीवरी उठाई, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब करीब 60% के आसपास ये डिलीवरी है, जो कि एक बहुत ही शानदार डिलीवरी मानी जाती है दोस्तों। तो लगातार स्टॉक में बड़ा बड़ा निवेशकों का पैसा आ रहा है, तो आप लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को अपनी नज़र में रखिए, गिरावट में मिल रहा है तो पैसा लगाते चलिए दोस्तों। दोस्तों आ चुके हैं लॉरेंस लैब को स्टॉक में, आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर एनालिस्ट की जो रेटिंग है टिकट टिप साइट के ऊपर, 7 एनालिस्ट इसको कवर करते हैं और 57% की जो लोग उन्होंने बोला है कि आपको बाइंग करके चलना है, मतलब 7 में से 4 लोगों का कहना है 7 out of 4 कि आपको ये स्टॉक बाई करते रहना है। तो स्टॉक क्या प्राइस क्या देखने को मिल रहा है आगे अपकमिंग ईयर के लिए या अपकमिंग साल के लिए, तो दोस्तों ये फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2021 तक के लिए 475 रुपये का टारगेट है हाईर साइड के ऊपर, जो कि करंट मार्केट प्राइस 328 से 44.5% की जंप दिखाता है। वहीं मीडियम देखें तो 365% की करीब करीब 11.5% का जंप, और दोस्तों जो लोअर साइड में है ये है 270 रुपये के आसपास करीब 18% का नेगेटिव। तो दोस्तों 475 एक बहुत ही अच्छा टारगेट है इसके लिए एक साल के लिए, तो आप गिरावट में स्टॉक को ऐड करते रहिए। 44% की रैली है जो कि देखी जा सकती है एनालिस्ट के अनुसार, ये मेरा कोई कथन नहीं है दोस्तों, ना मैं बोल रहा हूँ कि चलेगा ही चलेगा, इस स्टॉक को आप अपने नज़र में बना के रखिए, आपको ये पैसा बना के देगा। दोस्तों आइए रिटर्न की प्रोफाइल देख लेते हैं किस प्रकार से स्टॉक की जो कि निवेशकों को अच्छा पैसा बना के देती है कंपनी लगातार। तो स्टॉक का आइए हम लोग चलते हैं रिटर्न का प्रोफाइल की तरफ। दोस्तों आ गए हैं हम लॉरेंस लैब के स्टॉक के ऊपर और उसकी रिटर्न की प्रोफाइल के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एक सभी निवेशकों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप जानते हैं कि अगर
रिटर्न अच्छा दे रही है कोई कंपनी तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है, तभी हमको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है आगे भी। तो कल के दिन मार्केट में ये करीब करीब आधा परसेंट डाउन था, एक हफ्ते के अंदर 1% गिरा है, एक महीने में स्टॉक करीब करीब 16.5% का जंप है, 3 महीने में 30% से ज़्यादा के रिटर्न, बीते 6 महीने में 235% चला, इस साल के साल मतलब 2020 के अंदर 357% की रैली, और बीते एक साल के अंदर 392% के आसपास चल चुका है। बीते 2 साल में दोस्तों 324% के शानदार रिटर्न और 3 साल में 220% के स्टिकर रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों लिस्टिंग जानकारी पसंद आए तो अभी वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेंगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकें मार्केट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।